अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बिहार में कई रेलवे स्टेशनों पर हो रही तोड़फोड़ और कई ट्रेनों में आगजनी की खबरों के बाद अब उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर बिहार रूट की कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी में भी कई ट्रेनों को रोकने की सूचना सामने आई है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन ये फैसला लिया है। बिहार के बक्सर, आरा, छपरा और डुमराव स्टेशन पर ट्रेनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद अब रेलवे ने तमाम गाड़ियों को रोकने का फैसला किया है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर और बलिया होते हुए बिहार की ओर जाने वाली तमाम ट्रेनें इस प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुई हैं। वैशाली एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें ऐसी हैं जो रूट क्लियर ना होने की वजह से लेट चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों को लखनऊ से वाराणसी के रेलखंड पर अलग अलग स्थानों पर रोकने की सूचनाएं भी सामने आई हैं। रेलवे ने कुछ ट्रेनों की लिस्ट जारी की है जो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन की हैं और इन्हें अलग अलग स्थानों पर रोका गया है। रेलवे के इस फैसले के कारण आरा, पटना, गया और अन्य गंतव्यों पर जाने वाले यात्री प्रभावित हो रहे हैं। सर, परेशानी ये है कि यहाँ पे गाड़ी आई थी 10:45 पे। ये है अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस, जो कि पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। आगे गाड़ी जाने की संभावना दिख नहीं रही है। बोला जा रहा है आगे स्ट्राइक है, कब खुलेगी अतः ही पता नहीं है सर। काफ़ी यात्री लोग परेशान हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने पब्लिक लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है हमारे। मैं तो सर दानापुर जा रहा हूँ। यहाँ पे हो गए सर इसे करीब 2 घंटे। सर 2 घंटे अभी कोई सूचना मिली आगे? सूचना यही मिली है कि सर मैं पता करने गया था तो उन्होंने बोल रहे कि जब भी स्ट्राइक खुलेगी तो हम आपको सूचित करेंगे जब गाड़ी खुलेगी। वही रेलवे के अफसरों का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। रूट प्रभावित होने से यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं और रूट कब तक क्लियर होगा, रेलवे का कोई भी अधिकारी इस बारे में कुछ ठीक ठीक नहीं बता पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अग्निपथ योजना के विरोध का प्रदर्शन उग्र हो गया है। बिहार के कई स्थानों पर ट्रेनों में आग लगाने से लेकर वाहनों में तोड़फोड़ करने की भी सूचना मिल रही है। इन सबके बीच रेलवे के सामने रेल यातायात को सामान्य तरीके से चलाने की बड़ी चुनौती है, जिससे कि यात्रियों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।